हाई बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हॉक क्रिएशन। तो स्टार्ट करते हैं एमीवे वर्सेस किंग से। तो किंग ने यंग गालिब इज़ फायर बोला था। उसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। गालिब का देखा भी फिसले तू है जूस पी, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बन जाएगा जूस ली। तो एमीवे ने जवाब भी दिया था। तो यंग गालिब ने इस पर रिएक्ट करते हुए स्टोरी लगाई की सॉरी किंग, आई कांट हेल्प यू, भाई से एड़े चले नहीं। वहीं एमीवे बंटाएगा जो दिस ट्रैक है मीट दी इंस्टाग्राम यहाँ पर। तो कृष्णा के एक फैन पेज ने दिखाया कि एमीवे ने एलिगेशन की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। वहीं चेंके से पूछा गया कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन करंट बीफ बिटवीन एमीवे और किंग, बाय द वे एमीवे गलत लिख रखा था, एनीवे लिखा था। तो चेंके ने कहा कि आई जस्ट हर्ड एमीवेज दिस एंड इट्स क्लियर दैट किंग लॉस्ट, किंग इज नॉट अ रैप आर्टिस्ट, बादशाह इससे बेहतर लिख लेता है, और ये किंग और रफ्तार की शक्लें इतनी मिलती क्यों हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और वही एमीवे बंटाई ने किंग को डिस करते टाइम रफ्तार पर भी शॉट्स लिए हैं। भैया भी बोले एमीवे मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, पर एनीवे सीन में ये पहली बार हो रहा नहीं है किसी पॉप आर्टिस्ट को हिप हॉप में लेके आया एमीवे, क्योंकि रफ्तार को सब भैया बुलाते हैं। और जब एमीवे और रफ्तार की डिस बैटल हुई थी तब एमीवे का ऐसा मानना था कि रफ्तार एक पॉप आर्टिस्ट थे तो एमीवे ने उनको हिप हॉप में लेकर आए। वही एमीवे किंग को भी कह रहे कि तुम पहले आर्टिस्ट नहीं हो, और रफ्तार ने एमीवे का सीन चेंज करने की भी बात कही थी। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।